बहुत स्वागत। 2023 की महाभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बड़ी बैठक। क्षेत्रवार चुनावी रणनीति को लेकर उसमें मंथन होगा। बैठक में टिकटों को लेकर भी मंथन होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ये बैठक लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, वो भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा संगठन महामंत्री हितानंद और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो भोपाल से बड़ा अपडेट, क्षेत्रवार चुनावी रणनीति को लेकर मंथन, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बड़ी बैठक, टिकट को लेकर भी इस दौरान चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक। जन आशीर्वाद यात्रा, टिकटों को लेकर मंथन, क्षेत्रवार चुनावी रणनीति, हर बूथ को मजबूत करने के इरादे से बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। इसके संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ये बैठक लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा खास बात, संगठन महामंत्री हितानंद भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, वो भी इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी से जुड़े हुए वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होनी है। क्षेत्रवार चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा। जन आशीर्वाद यात्रा जिस तरह से निकाली जा रही है, उसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं कोई किसी चूक की गुंजाइश बीजेपी आलाकमान रहने नहीं देगा। चुनाव सिर पर, और अब बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति, जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर बतौर संयोजक उनके पास है, वो ये महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। क्षेत्रवार चुनावी रणनीति ये तय कर लिया गया है कि जन आशीर्वाद यात्रा, जो अलग अलग जगहों से जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, इसे लेकर भी इसमें मंथन होगा, टिकटों को लेकर मंथन होगा, और जो जिम्मेदारी दी गई है बूथ तक योजनाओं को पहुंचाने की, उसे लेकर भी इसमें मंथन होगा। तमाम जो दिग्गज हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, बीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, हितानंद, नरोत्तम मिश्रा, ये तमाम लोग इस बैठक का हिस्सा होंगे। सहयोगी शैलेंद्र चौहान भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, कब से ये बैठक है, क्या कुछ उस बैठक को लेकर अपडेट? जन आशीर्वाद यात्रा जिस कसावट के साथ निकाली जा रही है, क्षेत्रवार उसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कैसे योजनाओं को पहुंचाना है, एक खाका, जीत का एक खाका यहां से तैयार होकर निकलेगा? शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल अभी भाजपा में सभी प्रमुख नेता पहुंचने लगे हैं और कुछ ही देर में आज ये प्रमुख चुनाव प्रबंध समिति की बैठक शुरू होने वाली है। तो इसमें सभी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, ये जो प्रमुख नेता हैं ये तो रहेंगे ही। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुँचेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी ये चुनाव प्रबंध समिति की बैठक शुरू होने वाली है, इसमें पूरा फोकस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर है, जो कि 3 सितंबर से शुरू होना है। पार्टी पूरी इस चुनाव प्रबंधन को यही तय करेगी कि जन आशीर्वाद यात्रा में किस तरह की सभाएं होना है, क्योंकि भाजपा ने तय किया है कि जहां जहां भी यात्रा निकलेगी तो एक बड़ी सभा होगी जो कि कोई केंद्रीय स्तर का नेता लेगा, एक प्रदेश स्तर की सभाएं होगी उसमें प्रदेश के प्रमुख नेता रहेंगे। इसके अलावा जो निचले स्तर के नेता या छोटे स्तर पर जो ब्लॉक है उनको नुक्कड़ सभाओं का नाम दिया गया, तो ये अलग अलग नुक्कड़ सभाएं होगी। तो ऐसे 3 तरीके से पूरी जन आशीर्वाद यात्रा में सभाएं होगी और हर दिन करीब जो ये एक जो विंध से निकल रही है, बुंदेलखंड से निकल रही है, हर एक यात्रा 40 से 45 विधानसभा सीट को कवर करेगी। तो इसमें क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं,
तो ये सभी प्रमुख नेताओं के साथ उस दिन कौन कौन रहेगा यात्रा में, यह आज तय होगा इसका पूरा रोड मैप कि कहां पर कौन सी सभा लेना है, उसमें कौन से प्रमुख नेता रहेंगे। हम आपको ये भी अपडेट कर दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को भी एक जगह पर रोड शो में बुलाया जा रहा है, तो उसको लेकर भी चर्चा होगी कि वो किस दिन समय दे सकते हैं। तो करीब भाजपा मध्य प्रदेश के अलावा केंद्र से करीब 10 से 15 जो बड़े मंत्री हैं, बड़े चेहरे, उन सभी को इस जन आशीर्वाद यात्रा में सड़कों पर लाने वाली है और विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाने वाली है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार शैलेंद्र की नजरें बनी हुई हैं, उनके जरिए आगे भी हम इस बैठक के अपडेट आपको बताएंगे। शैलेंद्र ने जो बड़ा अपडेट दिया है, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी की राजनीति के लिहाज से, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। और अब रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज शाम रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी संगठन की बैठक लेंगे, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। 2 सितंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण, कांग्रेस पर आरोप पत्र पेश किया जाएगा, इसका खाका पहले ही तैयार हो चुका था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये आरोप पत्र पेश करेंगे, दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये पूरा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा खैरमाल अर्जुंदा सरायपाली, यहां पर सभा होगी। विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दो सितंबर को जो आरोप पत्र पेश होना है वो बेहद महत्वपूर्ण, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में वो पूरा आरोप पत्र तैयार किया गया है। संगठन की बैठक भी ली जाएगी, सभा इस तरह से तय की गई है कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में इसका असर पड़े। खैरमाल अर्जुंदा सरायपाली, सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। युगल, आज से यह शुरुआत हो जाएगी, कुछ घंटों का भले ही यह दौरा रहे पर पूरे सूबे की सियासत में हलचल जरूर मचाएगा। युगल ये बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, सियासी जो तूफान है, भूचाल है, वो ऐसे भी मचता है। और चूंकि चुनावी वर्ष है, 2023 विधानसभा का चुनाव भी होना है, बीजेपी ने अपनी पहले 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और एक मनोवैज्ञानिक जिस तरह से बढ़त मिली है, और उसके बाद अब दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। 59 जो नाम है वो तय कर लिए गए हैं, ऐसे जो सूत्र बता रहे हैं। 30 जो उम्मीदवारों की सूची है उसे हो सकता है 1-2 दिन में जल्द से जल्द जारी हो सके। हो सकता है अमित शाह जब आएँ तब भी ये सूची जारी हो जाए या उनके जाने के बाद। तो यही कयास लगाया जा रहा है कि जब बीजेपी की दूसरी सीट आएगी, जो उन्होंने कैटेगराइज जो किया हुआ है उसे लेकर के जारी किया जाएगा। और सबसे अहम बात यही है, बड़ी बात यही है ललित, कि जो केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे और राज्य सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब सियासी समीकरण है, वो किस ऊंट है उसका, किस पाले किस तरफ करवट लेती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के में आने के बाद सियासी जो हलचलें हैं काफ़ी तेज हो जाती हैं। अब यही परिस्थितियाँ होंगी, बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू होगा, दिशा निर्देश दिया जाएगा और इससे पहले जो टास्क दिए गए थे उसका फीडबैक भी लिया जाएगा कि आखिर वो जो योजना है, चाहे केंद्र सरकार की योजना है, तमाम योजनाएं हैं, कहां तक उन लोगों ने पहुंचाया है। जिन कार्यकर्ता पदाधिकारी को जवाब दी गई है, जवाबदारी सौंपी गई थी, उसे कितना एम्प्लीमेंट किया गया है, तमाम फीडबैक लेंगे। और बैठकों का दौर है, बीजेपी का कार्यालय कुशाभाव में जो है वो जारी रहेंगे। जी, जो जनसभाओं की बात आ रही है युगल, उसे लेकर स्थिति कुछ क्लियर, कहाँ कहाँ ये जनसभा होनी है? एक और खास बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री की सभा भले ही एक जगह हो पर कई विधानसभाओं में उसका असर रहता है, इस लिहाज से भी ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जी,
देखिए, कुशल रणनीतिकार माना जाता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, बीजेपी के चाणक्य भी उसे कहते हैं। और जब आरोप पत्र लाएंगे जो राज्य सरकार के खिलाफ, और इनका जो पूरा कार्यक्रम है वो जो ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है साइंस कॉलेज ग्राउंड में, और कल जो है एक जो सभा को भी वो संबोधित करेंगे। जो प्रमुख बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी वहाँ पर रहेंगे। और इस बीच उनकी तैयारियां भी की जा रही है, ऑडिटोरियम में ये जो सभाएं हैं वो की जाएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर नर्मदापुरम से जुड़ी हुई, बीजेपी के लिए झटके की तरह ऐसे बताया जा रहा है। पूर्व विधायक हैं गिरिजा शंकर शर्मा, उन्होंने भाजपा छोड़ दिया, प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गिरिजा शंकर शर्मा और जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे डॉक्टर सीता शरण शर्मा, उनके भाई हैं गिरिजा शंकर, दो बार वो पार्टी के विधायक रहे हैं और अब उन्होंने भाजपा छोड़ दी है। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, किस तरह से इसे देखा जाए, जो गिरिजा शंकर शर्मा हैं उन्होंने भाजपा छोड़ दी है। जी जी ललित, यदि नर्मदापुरम जिले की बात की जाए तो जो चुनावी गर्मी की शुरुआत इसे कहेंगे वो हो चुकी है। तरह तरह से बयानबाजी और ये तमाम दावे आपत्तियां सामने आ रहे हैं। हाल ही के घटनाक्रम में आज पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चिट्ठी लिखी है जिलाध्यक्ष को, वो सभी मीडिया कर्मियों के सामने रखी कि वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। गिरिजा शंकर शर्मा इटारसी विधानसभा से और उसके बाद होशंगाबाद विधानसभा से दो बार विधायक रहे हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं और जनसंघ के समय से पार्टी के साथ में थे। अब यदि दूसरी बात की जाए तो उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें जो हैं वो लंबे समय से सुनने में आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी छोड़ देंगे। उनका खुद का कहना भी था कि पार्टी में जो नेताओं की उपेक्षा हो रही है और पार्टी जिस रीति नीति पर चल रही है वो अब वैसी पार्टी नहीं रही जैसी आज से कुछ समय पहले हुआ करती थी। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनके मिलने की बातें भी सामने आई हैं, लेकिन होशंगाबाद विधानसभा की यदि बात की जाए तो होशंगाबाद विधानसभा की मानसिकता भाजपा के जैसी रही है। बीते साल सरताज सिंह ने जो है कांग्रेस ज्वाइन करके चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार चुके थे। अब देखना होगा कि गिरिजा शंकर, ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई ललित, और पूरी उम्मीद होगी इतने वरिष्ठ नेता वो हैं कि इतिहास से भी उन्होंने कुछ ना कुछ जाहिर तौर पर डिसीजन लेने में मदद ली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के निर्देश दिए हैं, वहीं जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा की स्नेहनगर कॉलोनी के निवासियों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। 1000 से ज्यादा परिवारों वाली इस कॉलोनी में घरों के बाहर बैनर लगाकर बहिष्कार का ऐलान किया गया। इस कॉलोनी को 4 साल पहले सीलिंग प्रभावित एरिया घोषित किया गया था। तत्कालीन कलेक्टर छवि भारद्वाज ने आदेश जारी किया था। इसके बाद यहां के प्लॉट्स की खरीद बिक्री, नामांतरण, रजिस्ट्री, इस तरह के जो काम थे वो बंद हो गए थे। ये आचार संहिता में महज 1 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में एक तरफ जहां जिला प्रशासन और शासन चुनाव की तैयारियों में जुटा है, वहीं मतदाता भी अपना मूड सेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जबलपुर की यादव कॉलोनी के स्नेहनगर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर ये आप देख सकते हैं कि ये बैनर लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2023-24 के चुनावों का बहिष्कार, समस्त स्नेहनगर के रहवासियों द्वारा JDA के भूखंडों को कलेक्टर 2019 के द्वारा भूखंडों की सीलिंग लगाए जाने पर चुनाव का बहिष्कार किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 1000 परिवार इस कॉलोनी में रहते हैं और सिर्फ यही एक कॉलोनी नहीं है बल्कि ऐसी कई कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। वजह क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, क्या वजह है ये बैनर आपने जो लगाया है, क्या कारण है? सर, हम लोगों ने 40 साल पहले ये मकान जो है JDA से खरीदे गए थे और 40 साल के बाद 2019 में जो कलेक्टर छवि भारद्वाज आई थी उसने ये सभी प्लाट स्नेहनगर, विजयनगर, संजीव नगर, दयानगर, जयनगर जितने वो थे सबको सीलिंग में डाल दिया है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। ना हम लोगों का नामांतरण हो रहा है और ना ही हम लोग ये प्लाट जो मकान जो है बेच सकते हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कलेक्टर के एक आदेश के कारण यहाँ के हजारों परिवार सीलिंग में आ गए हैं, और सीलिंग में आने के कारण अब ना तो उनकी रजिस्ट्री हो पा रही है, ना नामांतरण हो पा रहा है, पिता अपने बेटे के नाम पर मकान नहीं कर पा रहा, प्लॉट नहीं कर पा रहा, तो ये तमाम समस्याएं हैं जिसकी तरफ अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया जरूर शुरू की है, लेकिन जेडीए द्वारा इस कॉलोनी को, जेडीए की इस कॉलोनी को जो इस तरह से सीलिंग में किया है, उसे मुक्त करने का कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया है। क्या होगा परिणाम, क्या आगे होगा, सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा, ये वक्त आने पर पता चलेगा। पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर। इधर ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए अमित शाह ने अंचल की कमान अपने हाथ में ली है। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अमित शाह ने यूपी और गुजरात के विधायक अंचल में चप्पे चप्पे पर तैनात कर रखे हैं। ये विधायक ग्वालियर चंबल अंचल के हालात की रिपोर्ट तैयार करेंगे और चुनाव जीतने की कुव्वत रखने वाले चेहरों की भी तलाश करेंगे। याद है पिछला चुनाव 2018 का वो रिजल्ट, जब ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को 34 में से सिर्फ 6 सीट मिली थी और बीजेपी के हाथों से सत्ता चली गई। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर सत्ता की चाबी चाहिए तो फिर ग्वालियर में एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, दम दिखाना होगा। इसलिए कमान खुद अमित शाह ने संभाल ली है। शाह का फोकस उन क्षेत्रों में है जहां 2018 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जीत का पताका लहराने के लिए विधायकों की पूरी टीम उतार रखी गई है। उन 6 विधायकों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिन्होंने पिछली दफा जीत दर्ज की, और उन विधायकों की सीट को टटोला जा रहा है जहां पिछली दफा कांग्रेस के 28 विधायक जीत कराए थे। इसकी कमान सौंपी गई है यूपी की रामपुर सीट पर आजम खान को हराने वाले बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना को, जो पिछले 15 दिनों से ग्वालियर चंबल में जमे हुए हैं। देखिए, माहौल बहुत अच्छा माहौल है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, जिस तरीके के यहाँ काम हुए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है। ये तो हुई बीजेपी की बात। अगर बात कांग्रेस की करें, जो पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त है और दावे कर रही है कि ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस 27 का आंकड़ा पार करेगी। कांग्रेस का दावा तो ये भी है कि बीजेपी ग्वालियर चंबल अंचल में कमजोर है, और यही वजह है कि अमित शाह को अब खुद आना पड़ा है। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, और वही कारण है कि उनको खुद अमित शाह जी को आके यहाँ आके अपना सारा देखना पड़ रहा है कि वहाँ क्या स्थिति है ग्वालियर चंबल, वो उनको भी जानकारी है। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में ग्वालियर चंबल संभाग में रही। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में जिस पार्टी को बढ़त मिलती है, मध्य प्रदेश में उसी की सत्ता बनती है। इसलिए बीजेपी ने जीत के लिए ग्वालियर अंचल का जिम्मा अमित शाह को सौंपा है, और शाह ग्वालियर चंबल अंचल में चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। न्यूज 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 10। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र ने कमेटी का किया गठन, रामनाथ कोविंद को बनाया गया कमेटी का अध्यक्ष। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान, संविधान में किया जा सकता है संशोधन, लेकिन राज्यों की भी लेनी होगी मंजूरी। नर्मदापुरम में बीजेपी को झटका, पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने दिया पार्टी से इस्तीफा, गिरिजा शंकर शर्मा ने प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। चुनावी महासमर के लिए आज भोपाल में बीजेपी का महामंथन, दूसरी लिस्ट को लेकर हुई बड़ी बैठक, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक जारी, दूसरे दिन बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेता हुए शामिल, आज जारी नहीं होगा लोगो।
वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत गर्म, वीडी शर्मा बोले जनमत के आधार पर होगा फैसला। कमलनाथ का बयान, कहा राज्यों की भी लेनी होगी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर होंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रायपुर में पार्टी नेताओं के साथ बनाएंगे रणनीति, 2 सितंबर को पेश करेंगे आरोप पत्र। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हो सकता है गठबंधन, अगले कुछ दिनों में फैसला संभव, दोनों मिलकर लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। भोपाल में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर होगी बैठक, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर समेत वीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव लेंगे बैठक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी।